इंस्टाग्राम सेटिंग एंड प्राइवेसी। दोस्तों अभी के टाइम इंस्टाग्राम का सेटिंग टूल टोटली चेंज हो चुका है, या फिर सिस्टम कह ले टोटली बदल गया। यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यू न्यू सेटिंग कहाँ पे अवेलेबल है, तो पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिली जिसका नाम सेटिंग एंड प्राइवेसी है, पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इंस्टाग्राम के आप प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपको जस्ट टॉप पे ही देखने को मिलती थ्री लाइन एंड वहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती थी, बट अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आ जाता है सेटिंग एंड प्राइवेसी। चलो आपको डिटेल में बताते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लें, काफ़ी डिटेल के साथ आपको एक एक फीचर प्लस एक एक कस्टमाइजेशन एंड सेटिंग कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे इनेबल करनी है, वो मैं गाइड कर देता हूँ। तो स्वागत है गाइस आप सभी का एक और यूजफुल वीडियो में, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो आप यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी अपना सबसे पहले इंस्टाग्राम को चाहें तो अपडेट कर लें, अगर नहीं अपडेट करते तो भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। बाय द वे आप जाके इसको चेक कर लें, इंस्टाग्राम सर्च कर दें, यहाँ पे इसको अप टू डेट कर लें। अप टू डेट करने के बाद दोस्तों आप इसको ओपन करें एंड यहाँ पे अपना लॉगिन कर लें आईडी एंड जस्ट आप जब भी जैसे ही जाते हैं यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाने के बाद आप सभी अपनी थ्री लाइंस पे क्लिक करें एंड देखने को मिल जाती है टॉप पे सेटिंग एंड प्राइवेसी। चलिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, एक ही डिटेल आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही आप सभी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं अब आपको टॉप पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर में कौन सी सेटिंग मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे हम अकाउंट सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले आपकी प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी क्या आपका जो और भी अकाउंट कोई लिंक है इसके थ्रू या फिर नहीं, एंड यहाँ पे यदि आप जो इसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से बैक करें एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे टैप ऑन करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं जो अपना अकाउंट जो है कनेक्ट कर सकते हैं विद फेसबुक के साथ, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक नहीं किया है एंड जस्ट उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाती है अपनी पर्सनल डिटेल जिसमें आपका जो है इंस्टाग्राम का आईडी, जो भी ईमेल है, फ़ोन नंबर है, जो भी यूज़र नेम है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे आती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जाके आप सभी यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे कि आपको आती रहती है उसको पॉज भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा आप इसको इनेबल ही रखें, ठीक है। इस तरीके से इसको ऑफ कर दें, पॉज ना करें एंड उसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पे जो है पार्टिकुलर जाके जैसे कि आप किसी कमेंट को आप जो है नोटिफिकेशन नहीं लाना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई फॉलो करता है उसका नोटिफिकेशन बंद या फिर ऑन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। प्लस यहाँ पे मैसेजेस कॉल, तो आप इसको ऐसे कैसे रहने दें एंड यहाँ पे इस तरीके से बैक कर दें। बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपने कितना टाइम स्पेंड किया है इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, तो आप सभी को यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कितना समय आपने, कितने मिनट या फिर घंटे टोटल आपने यहाँ पे बिताए हैं इंस्टाग्राम को यूज़ करने को लेकर। मैंने जस्ट यहाँ पे अभी इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप सभी यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखने को मिल जाती है इस तरीके से फेवरेट, जो भी आपने यहाँ पे ऐड की होंगी फेवरेटीज में वो भी आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिमूव करके ऐड भी कर सकते हैं। बैक करें, यहाँ पे डिस्कॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों म्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो आप उस अकाउंट को यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हैं। एंड जस्ट उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाती है सजेस्टेड कंटेंट, वो तो आपको पता है जैसे कि आप जिस टाइप की वीडियोस देखते हैं, जिस तरीके से आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लाइक करते हैं, उस तरीके का आपका जो कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है सजेस्टेड कंटेंट में। एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा हाइट, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है हाइड लाइक्स, तो आप जो यहाँ पे लाइक्स को हाइड कर सकते हैं, बट इसको आप ऐसे ही रहने दें। अगर लाइक हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दें। अकाउंट प्राइवेसी, आप डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से जो अपना अकाउंट को प्राइवेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो जस्ट इसको यहाँ पे टैप ऑन करेंगे, आपका अकाउंट जो एक क्लिक में प्राइवेट हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप इसको पब्लिक रखते हैं तो पब्लिक ही रहने देना, क्योंकि ये सेटिंग जो है ऊपर नीचे हुई है, तभी मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप जो अपना अकाउंट जो है यहाँ से जाके प्राइवेट कर पाएंगे। तो इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अब आप सभी चेक करें क्लोज फ्रेंड, जो भी आपने यहाँ पे क्लोज फ्रेंड में ऐड किए थे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड क्लोज हैं आप उनको इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती है ब्लॉक, जो भी आपने जितने भी आपके यूज़र नेम या फिर अकाउंट्स को ब्लॉक किया होगा वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। एंड जस्ट उसके बाद दोस्तों आप सभी को देखने को मिल जाती है हाइड स्टोरी एंड लाइव, यदि आप यहाँ पे स्टोरी को हाइड करना चाहते हैं या फिर लाइव को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है हाइड स्टोरी एंड लाइव फ्रॉम, तो यहाँ पे आप अकाउंट को चूज़ कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड वो सारे आपको जो अकाउंट मिल जाएंगे जिनके जिनसे आप जो अपनी हाइड जो है स्टोरी को एंड हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और लाइव को भी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चाहें चूज़ कर लें, जिन भी पर्सन को आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लाइव आने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ, तो आप उनको हाइड कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती है मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाई नॉर्मल है एंड कमेंट्स। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, तो जिन भी अकाउंट को आपने रेस्ट्रिक्ट किया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जस्ट नीचे जाएं तो यहाँ से आप डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका फोटोज़ वीडियोस हैं वो भी यहाँ से आप जो डेटा अपना डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। एंड उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाती है एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो जो आपका डार्क मोड है वो थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो यहाँ पे जाएंगे तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस तरीके से जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पे, डार्क पे क्लिक करना एंड यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।
तो यही थी दोस्तों यहाँ पे जो डार्क मोड की सेटिंग मैंने भी आपको बता दी। कुछ लोगों को डार्क मोड जो है इसमें नहीं मिल रहा था, तो डार्क मोड जो है आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके मिल जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा। यहाँ पे टैप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आता है कैप्शन, एंड कैप्शन के नीचे आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से डार्क मोड। इसको यहाँ पे जो है टर्न ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। एंड यहाँ से जाएं थोड़ा सा नीचे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में अपना जो इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी। तो अगर आप जो है यहाँ पे हाई क्वालिटी में वीडियोज़ को रील वीडियोज़ को अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को आप टर्न ऑन कर दें। ये जो है आपकी मोबाइल डेटा प्लस वाईफाई दोनों पर ही हाई क्वालिटी पे ही रील्स को अपलोड करता है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं जो है अपनी जो रील वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो क्वालिटी डाउन क्यों चली जाती है। वो इसीलिए चली जाती है दोस्तों क्योंकि आप इसको ऑफ रखते हैं। यदि आप इसको टर्न ऑन कर लेते हैं तो आपका डेटा बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, बट आपकी जो एक्चुअल क्वालिटी है वीडियोज़ और फोटोज़ की वो ही अपलोड होगी इंस्टाग्राम पर। तो आप इसको टर्न ऑन कर लें, ठीक है, ये काम की चीज़ है। डाटा सेवर को आप इनेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे देख लो को लिखा हुआ है व्हेन डेटा सेवर इज टर्न ऑन वीडियोज़ वॉन्ट लोड इन एडवांस टू हेल्प यू सी लेस डेटा। तो यदि आप जो यहाँ पे डाटा सेवर को इनेबल कर लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं इंस्टाग्राम में एंड कोई जो वीडियो आती है वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी क्योंकि दोस्तों आपने इसको टर्न ऑन कर लिया, तो इसको ऑफ रखेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको टर्न ऑन भी रख सकते हैं, यदि डेटा की आपके पास कमी है तो आप इसको टर्न ऑन कर रख लें, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दें, ठीक है। बैक कर दें, बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे आता है सुपरविजन, तो यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हैं सुपरविजन को भी। तो इस तरीके से आप यहाँ नेक्स्ट करके कर सकते हैं, बट ये जो है आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। एंड आती है ऑर्डर एंड पेमेंट्स, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। हेल्प यानी कि हेल्प आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कोई फॉर एग्जाम्पल आपके इंस्टाग्राम पे कुछ बग या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे जाके हेल्प पे क्लिक करके यहाँ से रिपोर्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ कर दें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करके इस तरीके से जाएं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दें, लिख दें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही। फॉर एग्जांपल आपका जो यहाँ पे कुछ डाउनलोड ऑप्शन है, फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही वो शो नहीं कर रही है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे उनको मेंशन करके सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट की जो है इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सारी ऊपर नीचे कर दी गई हैं, तो यहाँ से आप लॉग आउट एंड लॉग आउट ऑल डिवाइस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सारी डिटेल, मैंने आपको बता दी। कुछ इस तरीके से आपको जो अपना अकाउंट सेंटर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर तुम्हारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल जितनी भी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड देख आपको सारा डेटा देखने को मिल जाता है। एंड ठीक इसी तरीके से आपकी जितनी जो कॉमन सेटिंग थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल्स यहाँ पर आपको। एंड इसके अंदर आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ जो है देख सकते हैं। स्विच अकाउंट टाइप यहाँ पे मिल जाती है, मिनिमम एज यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाती है, सेव रिप्लाई रिस्पांस सजेशंस एंड पार्टनरशिप एड्स सारी ही यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आप कुछ पार्टिकुलर चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मोस्टली मेरे से पूछते थे कि इसमें जो डार्क मोड कैसे इनेबल किया जाए, तो डार्क मोड भी मैंने बता दिया, हेल्प सेंटर यहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। तो ये हैं दोस्तों सारी इंस्टाग्राम की चीज़ें, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी एक एक सेटिंग को। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप जितनी भी कंफ्यूजन यहाँ पे फेस कर रहे थे अपनी इंस्टाग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग है प्राइवेसी में, तो वो सारी ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ और पूछना है तो मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इन्जॉय करें, इंस्टाग्राम में जितनी भी चीज़ें बताएँ वो डन कर लें। थैंक यू गाइज़।